हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जॉयस्टिक क्या है, आपको हमने पूरा समझाया था कि जॉयस्टिक क्या है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैकेनिकल माउस क्या है, मैकेनिकल माउस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सो बने रहे इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि मैकेनिकल माउस क्या है। 3, 2, 1 I'm just sitting here. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मैकेनिकल माउस क्या है। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस, ऑल्सो कॉल्ड अ वॉल माउस। इट कंसिस्ट ऑफ अ रबर और मेटल वॉल ऑन इट्स अंडर साइड। सो फ्रेंड्स, क्या है, ये एक माउस का ही टाइप है और इसको हम वॉल माउस भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर, इस माउस के अंदर एक मेटल या आप कह सकते हो रबर का वॉल होता है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें, ये ऑप्टिकल माउस से थोड़ा हटके है, इसमें मेटल और रबर का एक वॉल होता है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स द सेंसर्स। व्हेन द यूजर्स मूव अ माउस इन एनी डायरेक्शन, द सेंसर इनसाइड द माउस डिटेक्ट द मूवमेंट एंड मूव द माउस पॉइंटर ऑन स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंसर होता है, जो सेंसर्स होता है, जो क्या करता है कि जैसे ही हम माउस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं और जिस भी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, वो सेंसर्स उसको डिटेक्ट करता है, मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, और उस मूवमेंट के डिटेक्ट करने के बाद जिस भी डायरेक्शन में हमने माउस को मूव किया था, उसी डायरेक्शन में पॉइंटर मूव करने लगता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, ये सेम फंडा है जो कि हमने ऑप्टिकल माउस में देखा था। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, An optical mouse took the place of the mechanical mouse in the 1980s. It became the universal tool for computer interaction. So friends, क्या है, इसमें कहा गया कि mechanical mouse optical mouse से पहले आया था। So optical mouse ने क्या किया था 1980s में, mechanical mouse की जगह पर इसने अपना क्या कर लिया था, अपने आप को ढाल लिया था। मतलब उसके बाद optical mouse के बाद mechanical mouse के बाद optical mouse आया था, उसके बाद सिर्फ ऑप्टिकल माउस यूज़ होता था। तो ऑप्टिकल माउस ने अपना पूरा एक यूनिवर्सल टूल बना लिया था कि उसके बाद सिर्फ ऑप्टिकल माउस ही यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्दर मोर अ मैकेनिकल माउस इज सिमिलर इन शेप एंड फंक्शन बट रदर देन ऑन द वॉल, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल सेंसर दैट मेक इट मोर रिलायबल। सो फ्रेंड्स, क्या है, इसमें अगर डिफरेंस की बात करें ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस में, तो फ्रेंड्स बस एक ही चीज़ है, वो है इसमें मैकेनिकल माउस में एक वॉल होता था, एक रबर वॉल कहो या मेटल वॉल कहो, इसमें एक वॉल होता था मैकेनिकल माउस के अंदर, जबकि ऑप्टिकल माउस में ये नहीं होता था, ठीक है। और इसमें सेंसर होता था मैकेनिकल माउस में, और ऑप्टिकल माउस में भी सेंसर होता था, ठीक है। और सेंसर के थ्रू डिटेक्ट होता था कि मैकेनिकल माउस को हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या कंप्यूटर स्क्रीन में पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन मूव का हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेंसर्स वो करता था हमारे। और इसको आप जानते हो कि इसको वॉल माउस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक वॉल होता है या एक रबर वॉल होता है, एक मेटल वॉल होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि इन्वेंटर ऑफ मैकेनिकल माउस क्या है, तो वो है डॉग एंजेलवर्ट। एंजेलवर्ट ने क्या किया था, अपने एक लेक्चर में उन्होंने सोचा था कि माउस को कैसे बनाए, उसके बारे में सोचा था, और उन्होंने 1963 को इसको बना भी दिया। सो फ्रेंड्स, इनका जो जन्म है ये है 1925 को, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो है 2013। सो करीब करीब 88 सालों तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मैकेनिकल माउस के कुछ इमेजेस, जिसमें आपको दिखाया गया कि देखो, फर्स्ट जो इमेज है इसमें आपको वॉल दिख रहा होगा। सो वॉल इसके अंडर साइड होता है, इसके अंदर होता है, ठीक है। और दूसरे इमेज में आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट है कि इसके अंदर आपको वॉल दिख रहा होगा कि वॉल कैसे क्या हो रहा है, इसमें काम हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट इमेज दिखाते हैं, इसमें दिखा रहा है आपको, पहले इमेज में दिखा रहा है कि पूरा खुला पड़ा है और इसके अंदर एक माउस के अंदर, मैकेनिकल माउस के अंदर, इसमें सेंटर में एक वॉल है और
इसमें आपको दिख रहा होगा कि मदरबोर्ड, इसके सर्किट्स, सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर सब लगे पड़े हैं। और सेकंड इमेज में, इसी में सेकंड इमेज पे दिख रहा होगा आपका वॉल दिख रहा होगा, और आपको दिख रहा होगा कि एक्स एंड वाई एक्सिस सेंसर कैसे मूव को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये रबर वॉल भी हो सकता है, जो वॉल दिख रहा है इसमें रबर वॉल भी हो सकता है, या आप कह सकते हो कोई मेटल वॉल भी हो सकता है। और एकदम सामने की ओर देख रहे हो कि व्हील यूज़ फॉर स्क्रॉलिंग, इसमें व्हील यूज़ हुआ है, स्क्रॉल स्क्रॉल तो करना है ना, तो स्क्रॉल के लिए व्हील यूज़ हुआ है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखो मैकेनिकल माउस कुछ ऐसा दिखता है जो आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही बढ़िया है यूज़ करने में। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में जो भी बताया गया है पूरे समझ में आए होंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। I'm just sitting here. I got time.